CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ 6 कवि शमशेर बहादुर सिंह पृष्ठ संख्या 34 से 38 तक। पृष्ठ संख्या 34। कवि परिचय। शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में। प्रकाशित रचनाएं: कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, सम्मान, साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, निधन सन 1993 दिल्ली में। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी ये बिंबधर्मिता, रिपीट, उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। पृष्ठ संख्या 35। कविता परिचय। 1943 से प्रारंभ प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहां तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लीपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती
उषा। पृष्ठ संख्या 36। प्रस्तुत है कविता उषा। उषा, प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। पृष्ठ संख्या 37। अभ्यास। कविता के साथ प्रश्न 1। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? प्रश्न 2। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिह्नों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। इन पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। अपनी रचना। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। अपनी रचना। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। आपसदारी। सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरी और अज्ञे की कविता बावरा अहेरी की पंक्तियां आगे दी जा रही हैं। उषा कविता के समानांतर इन कविताओं को पढ़ते हुए आगे दिए गए बिंदुओं पर तीनों कविताओं का विश्लेषण कीजिए और ये भी बताइए कि कौन सी कविता आपको ज्यादा अच्छी लगी और क्यों। बिंदु 1, उपमान। बिंदु 2, शब्द चयन। बिंदु 3, परिवेश। जयशंकर प्रसाद की कविता। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। पृष्ठ संख्या 38। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता। भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। पर जब खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया, मझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले, डील वाले, डॉल के, बेडॉल, उड़ने जहाज। कलस तिसूल वाले मंदिर शिखर से ले तार घर की नाटी मोटी चिपटी, गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को। गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णकार की आलोक खची तन्विरूप रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को, जो धुआं यूं उगलती हैं मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी। इसी के साथ आरोह भाग 2 का पाठ 6 यहां समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।